एवरीवन, आज आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना होम ट्रेनिंग रूटीन, जो कि मैं 11 बजे करता हूं। और सॉरी, क्योंकि मैं 3 हफ्ते से अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी 1 हफ्ते का रेस्ट लिया था। तो अब मेरी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ चुकी है, तो अब मैं घर में कम से कम आधा घंटा तो घर में प्रैक्टिस करता हूं। और मेरा मतलब दिन में 3 बार मेरा प्रैक्टिस होती है, एक सुबह, एक दिन में घर में करता हूँ, और एक शाम को। मतलब सुबह हो गई हमारी ट्रेनिंग, टीम ट्रेनिंग हो जाती है। सेकंड ट्रेनिंग होती है, वो होती है घर में अपना खुद इंडिविजुअली ट्रेनिंग करना, बेसिक ड्रिल्स वगैरह करना, जिसमें मैं टेक्निक पे ज़्यादातर अपना ध्यान देता हूँ। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, जो कि है हमारा शाम को मैच खेलते हैं अपना सीनियर्स के साथ। और बस फिर आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को हाइड्रेट करता हूँ, ताकि मैं फैटी की कंडीशन में भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाऊँ और अच्छे से ट्रेनिंग हो पाऊँ। तो अपने आप को हाइड्रेट करने के बाद अब बारी आ चुकी है सेटअप करने के, और सेटअप करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस आई यूज टू डू सम स्ट्रेचिंग्स। स्ट्रेचिंग करने से जो मसल्स वगैरह होती हैं और तुम्हारी जो फुल बॉडी होती है वो खुल जाती है, जिससे कि तुम्हें बॉल पे और अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। और कुछ स्ट्रेचिंग्स करने से तुम्हारी जो एजिलिटी और मोबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। तो मैं कुछ ये स्ट्रेचिंग्स वगैरह करके फिर बॉल के साथ थोड़ी देर अब प्रैक्टिस करता हूँ। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करूँगा जगलिंग के साथ। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बेसिक ड्रिल्स करता हूँ, और ड्रिल्स का मतलब कोन के साथ नहीं होता, कोन के बिना भी होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखता हूँ और अपनी ट्रेनिंग को, ताकि मुझे ज़्यादा कोन्स वगैरह की जरूरत ना पड़े। तो जो ड्यूरेशन होती है मेरी जगलिंग की वो 10 मिनट तक की होती है। 10 मिनट तक जितनी जगल कर सकते हैं उतनी करो। फ्री स्टाइल में बस हेड स्टॉल और चेस्ट स्टॉल की थोड़ी कोशिश करता हूँ, पर अभी तक मेरे को आया नहीं है पूरी तरह से। और तो अब बारी आती है वॉल पासिंग की, जिसमें कि वन टच पास होती है। इसमें मैं अपना बॉथ लेग के साथ कम से कम 5 मिनट तो देता हूँ बॉथ लेग्स को, और जिसमें कि मेरा 10 मिनट जाता है। ये एक बेसिक ड्रिल है जो कि इम्प्रूव करती है तुम्हारी फर्स्ट टच पासिंग को, और ये ड्रिल सच में बहुत इफेक्टिव होती है। मैंने इससे मतलब अपनी फर्स्ट टच पासिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव करी है। तो अब इसी ड्रिल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए मैं अब स्कैनिंग भी इसमें जोड़ दूंगा, ताकि जो मेरी स्कैनिंग है वो भी साथ ही साथ इम्प्रूव हो। बिकॉज मेरी जो पोजीशन है वो मिडफील्डर है, और मैं मिडफील्ड में ज़्यादातर खेलता हूँ, मतलब अटैकिंग मिडफील्डर हूँ, तो मेरे को स्कैनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि मैं स्पेसेस और कवर कर सकूँ, और साथ ही साथ पासेज वगैरह भी खेल सकूँ जल्दी जल्दी। तो इसी ड्रिल को अब मैं लेफ्ट लेग से भी ट्राई करूँगा, और कम से कम इसमें मैं अपना 10 मिनट देता हूँ, मतलब टोटल हो गया 30 मिनट्स। बिकॉज अगर तुम दोनों लेग को यूज़ करते हो तो तुम गेम को और भी सिंपल बना सकते हो, और मोर इफेक्ट, मतलब जो तुम्हारा जो इफेक्ट है वो गेम में और भी ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए मैं दोनों लेग्स को ट्रेन करता हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि एज अ अटैकिंग मिडफील्डर आई हैव टू प्ले द पासेस फ्रॉम बोथ लेग्स। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, इंग्लिश हो ना हो, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपने लेफ्ट लेग से जितने भी स्कैनिंग वाली ड्रिल्स थी वो जल्दी जल्दी करी। तो फिर उसके बाद 5 मिनट तक मैं अपने जो बॉथ लेग्स, मतलब तो दोनों लेग को यूज़ करके मैं डबल कॉम्बो पासिस खेलता हूँ, ताकि जो मेरा कॉम्बो पासिस है वो इम्प्रूव हो, मतलब डबल पासिस में खेल सकूँ। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट में होता है एक पास में पास देना होता है, और इसमें डबल पास खेलना होता है एक ही प्लेयर के साथ, मतलब यही हो गया। तो इसके बाद आते हैं मेरा फेवरेट फर्स्ट टच ड्रिल, जो कि फर्स्ट टच को इम्प्रूव करने के लिए होती है। और ये जो ड्रिल है
बहुत ही ज़रूरी है एज अ सेंटर मिडफील्डर मेरे लिए, क्योंकि ये जो ड्रिल है वो बहुत ही इजी है और इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि ये जो टर्न है ये बहुत हेल्प करता है जल्दी मूव करने के लिए बॉल को, और जिससे कि मैं मतलब अपने जो सामने डिफेंडर होता है पीछे उससे जल्दी से फेस कर सकता हूँ और जल्दी मैं कोई चांस क्रिएट कर सकता हूँ इस टर्न को यूज़ करके। और ट्रेनिंग के बीच में कुछ इन्जॉयमेंट के लिए मैं फ्री स्टाइल भी करना पसंद करता हूँ, जैसे कि जगलिंग करना हो गया और कंट्रोल करना हो गया बॉल को। तो इतनी सारी ड्रिल्स करने के बाद अब बारी आती है वॉल पासिंग की, जिसमें कि मैं वॉल पे पास करके फिर उसके बाद जो फर्स्ट टच में उसको कंट्रोल करके जगल करने की होती है, जिसमें कि जो बॉल कंट्रोल है वो बहुत इंप्रूव होता है और फर्स्ट टच भी इसमें इंक्लूड होता है, तो इससे ही हमारा जो फर्स्ट टच है वो बहुत ही इंप्रूव होता है। तो सेकेंडली एंड मोस्ट लास्टली जो इफेक्ट होता है इसमें गेम में, ये अंडर प्रेशर मतलब फर्स्ट टच लेने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि तुम घर में खेल रहे हो तो तुम्हें उस बॉल को कंट्रोल में लेना पड़ेगा ताकि घर का सामान ना टूटे। तो ये सिचुएशन हर किसी के साथ आती है जो भी घर में खेलता है। तो बॉल पासिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 5 मिनट। फिर उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट कम से कम फर्स्ट टच की ट्रेनिंग करता हूँ। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं अपनी फर्स्ट टच की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से करता हूँ, और सच में ये बहुत हेल्प करता है मेरे को मेरे इम्प्रूव करने मेरा फर्स्ट टच वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चेस्ट थाई और जो टो की ड्यूरेशन है मतलब मिनिमम मैं 2-2 मिनट हर चीज़ के लिए देता हूँ। मतलब तुम ये समझ लो कि 5 मिनट तो मैंने टचेस पे ही दे दिए हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि मैं अपने दोनों लेग्स से मतलब फर्स्ट टच अच्छा ले पाऊँ, इसलिए मैं दोनों लेग्स को अपना ट्रेन करता हूँ ताकि जो मेरा फर्स्ट टच है वो और भी इम्प्रूव हो और मैं अंडर प्रेशर और भी एक्यूरेट टच ले सकूँ, क्योंकि फर्स्ट टच भी इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही तुम देख सकते हो मैं चेस्ट से भी कंट्रोल कर रहा हूँ और थाई के साथ साथ मैंने अपना टो के साथ भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद अब मैं हेडर की प्रैक्टिस करूँगा, जिसमें कि मैं लगातार मतलब हेडर लेता रहूँगा। इसका ही मेरा ड्यूरेशन जो होता है मतलब 2 से 3 मिनट तक ही करता हूँ, मतलब मैक्सिमम ही अगर मैं बताऊँ ना तो जो मेरा फर्स्ट टच को मिला के और इसके साथ मेरा जो ड्यूरेशन होता है 10 मिनट पूरा निकल जाता है, मतलब मैं 1 घंटा तो कम से कम ट्रेन करता। तो जैसे कि तुमने लास्ट क्लिप में देखा मैंने 3 टाइम हेडर किया था, तो इस बार मैंने 4 टाइम तक लगातार हेडर किया और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से इंजॉय करते हुए। सो जो अब जो टाइम था कम से कम 40 मिनट तक पहुंच चुका था और मेरा जो ड्यूरेशन होती है ट्रेनिंग की वो 1 घंटे थी, तो मैंने अब 10 मिनट तक कम से कम अपने आप को जो मेन मेरा जो मेन एट्रीब्यूट और एबिलिटी है मेरी मैं उसको ट्रेन करता हूं, जो कि है मेरी ड्रिबलिंग, जो कि मेरा ड्रिबलिंग में जो मेन मोटिव कह लो या फिर जो मेन टेक्निक है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है क्लोज ड्रिबलिंग। इस टेक्निक को बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स ने यूज़ किया है और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करके अपनी ड्रिबलिंग जो है उसे इम्प्रूव करता हूँ, और सच में मैंने मतलब
जब से मैंने अपनी ड्रिबलिंग पे काम करना स्टार्ट किया तब से मैंने जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं और मतलब सही मेरे को प्लस वे में दिखे हैं, और मैं जो कि अपने रिजल्ट्स को देखने के बाद मेरा जो मेन मोटिव है उनको और भी ज़्यादा सही करना और मतलब और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो अब मैं जो ड्रिबलिंग है अपनी इम्प्रूव करने के लिए मैं घर में भी थोड़ा बहुत अपना ड्रिबलिंग को टाइम देता हूँ, और जो मेरा सुबह की ट्रेनिंग होती है उसमें मैं कम से कम 15 मिनट तो ड्रिबल करता ही करता हूँ। ये तो मेरा पक्का रूल है, और जो मेरा जो मेन एबिलिटी मेरी भी यही है। तो ड्रिबलिंग की ड्यूरेशन जो होती है वो 10 से 15 मिनट होती है। तो इसके बाद मैं अपनी जो ड्रिल मतलब ट्रेनिंग जो है वहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। तो अब ट्रेनिंग करने के बाद फिर अब रिकवरी का टाइम है, तो अब मैं अपने आप को हाइड्रेट करके फिर उसके बाद कम 15-20 मिनट बाद मैं अपना खाना मतलब लंच करूँगा, और उसके बाद आधे घंटे तक अपना कुछ वर्क वगैरह करूँगा जो कि ऑनलाइन वगैरह या फिर अपना जो वर्क वगैरह होता है वो पूरा करूँगा, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा कम से कम 2 बजे तक। और अभी बज रहे हैं 12:30, तो उसके बाद अभी आधा घंटा है मेरे पास लंच करने तक का, और तब तक मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगा। फिर उसके बाद लंच वगैरह करके 1 बजे फिर मैं अपना थोड़ा 1 घंटे तक होमवर्क वगैरह करूँगा। फिर उसके बाद 2 बजे तक मैं सो जाऊँगा। फिर उसके बाद मेरे को 2 घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो मैं 3 टाइम करता हूँ, और तो उसके बाद स्लिप भी तो चाहिए होगी, तो रिकवरी के लिए स्लिप बहुत ज़रूरी होती है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस मैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।